डांडिया महोत्सव में मुस्लिम युवकों की एंट्री को लेकर बजरंग दल ने की आयोजक राहुल शिवहरे अंकित शिवहरे पर कार्रवाई की मांग। नवरात्रि के पावन अवसर पर शहर में कई जगह डांडिया महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। कल 7 अक्टूबर को शहर के नक्षत्र गार्डन में डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम व्यक्तियों की एंट्री को लेकर बजरंग दल ने आयोजक पर कार्रवाई को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के अनुसार राम सिंह यादव जिला अध्यक्ष विश्व हिन्दू परिषद ने बताया कि कल शहर में डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें मुस्लिम व्यक्तियों की एंट्री की गई थी। डांडिया महोत्सव के आयोजक राहुल शिवहरे ने सूचना के बाद भी हनी खान और अन्य मुस्लिम व्यक्तियों को इस आयोजन में प्रवेश दिया। इसके अतिरिक्त अंकित शिवहरे ने भी कुछ अन्य व्यक्तियों को आयोजन में प्रवेश दिलाया, जिससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है। बजरंग दल ने आयोजक राहुल शिवहरे और अंकित शिवहरे पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। क्या नाम है आपका? राम सिंह यादव। आप आवेदन देने आए हो थाना कोतवाली में, किस संबंध में आए? ये हमारे शिवपुरी के अंदर जितने भी मैरिज गार्डन है और डांडिया महोत्सव जो लोग कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस के लिए ये सब चीज़ें करते हुए हमने कई बार उनको आगाह किया है कि आप मुस्लिम व्यक्तियों को आप एंट्री ना दें और कोई ऐसी अनर्गल ऐसे कोई वीडियो ना डालें और ऐसे कोई गाने ना बजाएं जिससे हमारे समाज के लिए ठेस पहुँचे और समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ बनाए जिससे कोई संस्कृति को कोई अपने नुकसान ना हो। हम हिंदू हैं और हिंदुओं के लिए कम से कम अपनी संस्कृति के हिसाब से माँ भगवती का जागरण है। हम 9 दिन क्या है नवरात्रा व्रत भी रहते हैं लोग बाग, लेकिन क्या है कि ये नए नए चलन में करके वो जो गार्डन वाले अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस करने के साथ साथ मुस्लिम बच्चों को एंट्रियाँ देते हैं। हमारे बहन बेटियों के कई कमरे बुक रहते हैं, उसमें जाकर के ये ताक झाक भी करते हैं और जब जो जाते हैं हम लोग पहले से ही सूचित भी किया है और हम लोग जब जाते हैं पुलिस को भी सूचित किया है। जैसे कितने मुस्लिम बच्चे गए 10-15 लोग थे, एक तो पकड़ ही लिया, बाकी और भाग गए थे देख करके। इस बिंदु पर सबके बजरंग दल के लोग पहुंचे तो भाग गए थे वो लोग। इस तरह से हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि कम से कम अपनी संस्कृति को बचाए रखें। बाकी मालूम पड़ता है कि हमारे जागरण हो रहे हैं और जागरण में हमारे 3 आदमी पहुँच रहे हैं, लेकिन ये डांडिया महोत्सव नया प्रचलन चालू कर दिया गार्डन वालों ने अपने धंधे के लिए। तो इस तरह की कार्रवाई अगर रहेगी अगर गार्डन वालों की भी, तो हम उनको डांडिया महोत्सव वालों पर भी कार्रवाई करने के लिए हम बात होंगे और हम उग्र आंदोलन भी करने को बात होंगे। फिर बात